अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की छोटी सी वीडियो है इस स्टैंड के बारे में। स्टैंड मैंने ख़ुद बनाया जुगाड़ करके, और पहले आपको समझा देता हूँ कि जुगाड़ जो है किस तरह किया गया है। तो ये जो है ना, ये जो इसमें आप बोल्ट देख रहे हैं, ये इसके अंदर यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये वो बोल्ट है जिस पर जो है मोटरसाइकिल के शीशे लगे होते हैं ना, मिरर, ये उनका वो रॉड है, उसको मैंने यहाँ से काट लिया था। इससे जो पहले एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको बनाते हुए दिखाया कि आप इसको किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने का ये मकसद है ना कि आप इसके ऊपर फिर होल्डर लगा के आप वीडियो शूट कर सकते हैं इसको मोटरसाइकिल पर लगा के ना। अभी मैं होल्डर भी आपको इसके ऊपर लगा के दिखा देता हूँ। तो ये देखना दोस्तों, ये इसका होल्डर है। इसका होल्डर क्या, ये एक यूनिवर्सल होल्डर है, आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें, किसी शॉप से लेने तकरीबन 150 रुपये का जो है मिल जाता है। तो इसमें ज़्यादा बड़े मोबाइल नहीं आते, मैं ये टक्कर आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह जो है ये फिर इसको मोबाइल को पकड़ लेता है, ठीक है। अगर जो स्क्रीन जिस मोबाइल की बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वो इसके अंदर मुश्किल से आएगा, क्योंकि टूट भी सकता है, ये ज़्यादा नहीं खुलता। 3 इंच जो है या 3.5 इंच खुलता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से इस पर लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं, ये देख लें जिस तरह आप लगाना चाहें। और फिर इसको आप टाइट कर दें मोटरसाइकिल हैंडल में, आप इसको इधर उधर घुमा भी सकते हैं इस तरह ऊपर नीचे, जैसे आप रखना चाहें। और मैंने तो ये बनाया था मोटरसाइकिल पर जो है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन बस इरादा चेंज हो गया, क्या करेंगे भाई वीडियो शूट करके, और शायद इरादा फिर से चेंज हो जाए, वीडियो शूट कर ही लें हम। तो मोटरसाइकिल के लिए जो है इसको फिर ऐसे रखना चाहिए ताकि ये दाएँ बाएँ भी मूव कर सके इस तरह, और ऊपर नीचे भी मूव कर सकते। तो इसको बनाने की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि इसको बनाने में जो वक्त लगता है, तो इसलिए जो मैंने फिर ये वीडियो जो है अलग से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये वो सिंपल सा वो होल्डर है जो ट्राईपॉड में होता है, ये मैंने इसको यहाँ से काट दिया था, ये इसमें लग भी जाता है दोबारा, ये देखने इधर आप इसको इसमें लगा के दोबारा काम कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको मैं ख़राब कर दिया, इसके अंदर भी काम सही तरीके से ही करेगा, कहीं नहीं जाता। और अगर कहीं जाने भी लगे तो उसका भी हमारे पास हल है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, इसको इधर आप परमानेंट लगा दें, एक और इस तरह लेके अच्छी तरह इसमें ठोक दें, और फिर आप इसको इधर टाइट कर लें इसके ऊपर, फिर इसको कहीं किधर से भागिए कहीं, हाँ है, फिर ये भाग के देखें। तो खैर कोई बात नहीं, ये हो गई बातें मजाक वाली, काम की बात कर लेते हैं भाई। तो काम की बात ये है कि ये इस तरह जो आप फिर इसको मोटर बाइक पे आप इसको टाइट भी कर सकते हैं, टाइट करने का भी इसको कोई मुश्किल तरीका नहीं है। और ये सारी इसकी एडजस्टमेंट है जो कि आपने देखी होगी, ट्राईपॉड के फंक्शन में आती है। तो ये जो छोटा ट्राईपॉड है ना, ये वाला, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी साथ दिया इसने मेरा, तो फिर जो है इसने कुर्बानी दी मेरे लिए, और मैंने जो है ये अलग अलग डिवाइस बना ली। इसको मेरा कोई यूज़ करने का इतना इरादा है तो नहीं, लेकिन इरादा बदल भी सकता है, क्या कर सकते हैं भाई, हमारे इरादे भी इसी तरह हैं, हमारी तरह कभी भी बदल जाते हैं हम। ये स्पिरिट लेवल को क्या हो रहा है, अच्छा तो ये चक्कर था, मैं कहता हूँ कि ये हिल क्यों रहा है, हिल, ये तो भाई निकलने के चक्कर में था। अच्छा हुआ कि हमने इसको इधर ही देख लिया, इससे पहले कि कहीं और तमाशा करता, कहीं और गिरता, हमने इसका इलाज जो है इधर ही दरियाफ्त कर लिया है कि मियाँ जी को एल्फी लगानी पड़ेगी, तब मियाँ जी इसमें जो है सियाँ जी पक्के पक्के ठहरेंगे, वरना तमाशे हमारे साथ करते रहेंगे। कोई बात नहीं, एल्फी भी बहुत बढ़िया हमारे पास, अभी डाल देते हैं इसमें, इसका काम पक्का ही कर देंगे हम, वीडियो को ज़रा रोक देते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सियाँ जी का काम तो मैंने कर दिया पक्का, और एल्फी भी आप देख लें कि मैंने जो है बाईपास लगा के जो एल्फी को खोला, क्योंकि एल्फी जो इधर से परमानेंट वेल्ड हो गई है, तो एल्फी का जो फिलिंग पॉइंट होता है बाईपास, वहाँ से मैंने एल्फी को खोल दिया है। तो समझ गए ना आप, समझदार लोग हैं भैया आप। अच्छा, मजाक जो है मैंने करना छोड़ दिया भाई, अब हमें जो है हम लग गए हैं बहुत बड़े बड़े, इसलिए हम अब मजाक ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत जो है मजाक हो गया, ठीक है जी। एल्फी हमने लगा दी इसको, एल्फी कुछ देर तक जो है अपना असर दिखाएगी, तब तक हम जो है इसके बारे में आपको और बता देते हैं कि और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर इसके यही हैं कि अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको बाइक पर, मोटरसाइकिल पर, ये वहीं लगता है जहाँ पर मिरर लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के जो शीशे इस्तेमाल होते हैं ना, ये जिधर घूम रहा है ना, ये इसका ही फंक्शन है घूमने वाला, ठीक है। इसको आप टाइट कर दें इधर से तो ये नहीं घूमेगा, और इसको इधर टाइट कर दें जिस जगह पे आप रखना चाहें, बाकी फिर आप जिस तरह एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो चलें, आप मैं आपको इसको बाइक पे लगा के दिखा देता हूँ। और अगर आपके पास भी ट्राईपॉड इस तरह का पड़ा है, आप यूज़ नहीं करते, तो अगर आपने इसको काट दिया मेरी तरह, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको समझाया ना कि आपने क्या करना है, ये जो नट लगा हुआ इधर, इसी तरह के एक और नट दरियाफ्त कर लेना है, और उसको इसके अंदर ठोक देना परमानेंट, इसके अंदर परमानेंट जब आप ठोक देंगे ना, फिर चाहे आप इसी को क्यों ना ठोक दें, उस तरफ कोई और यूज़ कर लें नट, इसके अंदर जब इसको परमानेंट ठोक देंगे और थोड़ा सा यानी कि कोई और गंद इसके अंदर भर देंगे मटेरियल, ये इसके अंदर जब परमानेंट ठहर जाएगा, फिर उसका फ़ायदा ये होगा ना, फिर भले ही आप इसको बाइक पे यूज़ करें या ट्राईपॉड पे, आप इसको इधर फिट करके भी यूज़ कर सकेंगे आसानी के साथ, ये कहीं नहीं भागेगा इसमें, ठीक हो गया। एक तो मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, चलें आप इसको बाइक पर लगा के देख लेते हैं भाई, बाइक पर लगा के दिखाना भी आपको ज़रूरी। वैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ना 4G 5G स्पीड के साथ, उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने इसको बाइक पर लगाया हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत में जो है मैं इसको दोबारा लगा के आपको दिखा देता हूँ, चलें जी। तो ये देखें दोस्तों, आप इसको जो इस तरह लगा सकते हैं इस होल के अंदर, ये जो होल देख रहे हैं ना, आपने सिंपली इसको बस इस तरह घुमाते रहना है, ये देखें इस तरह आप इसको घुमाते जाएं और ये टाइट होता जाएगा, और इधर जो हमारी डेवर शरीफ खड़ी हुई है, और डेवर हमारे वफादार मोटरसाइकिल एक साथ खड़े हुए हैं,
ऐसा ज़िंदगी में कभी कभी होता है। तो ये देख लें, ये जो है इसमें टाइट हो गई है और आप इसको अच्छी तरह जो है प्लास के साथ रेंच के साथ भी टाइट कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया इसको, और अभी मैं आपको इसकी मोमेंट भी दिखा देता हूँ। ये देखें होल्डर भी आपको लगा के दिखा देते हैं, और ये देखें आप इसके ऊपर जो इस तरह होल्डर भी लगा सकते हैं ये वाला। इसमें एक हाथ में पकड़ा कैमरा और दूसरे में जो है काम हो रहा है, तो इस तरह आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो देख लिया आपने, आप इसको जिस पॉइंट पे भी टाइट करना चाहें कर सकते हैं। असल में नीचे से टाइट नहीं है ना, इसलिए घूम गया ये। अगर मैं इसको ढीला कर देता हूँ ना ताकि आप जो है इसको देख सकें। ये देखें तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोस मिलेंगे, तब तक आप मुझे इजाज़त दें। और ये शीशा भी देख लें, एक तरफ शीशा लगा हुआ है और एक तरफ मोबाइल का स्टैंड हमने जो है इसके अंदर ठोक दिया है वीडियो शूट करने के लिए। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोस मिलेंगे, तब तक आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।